नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे LIC असिस्टेंस मेंस 2019 के GA के स्टेट नंबर GA और फाइनेंशियल अवेयरनेस के टोटल 40 क्वेश्चन को हम यहां कवर करेंगे, जो कि LIC असिस्टेंस मेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ये स्टेट नंबर 2 है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, स्टेट नंबर 1 पे पहले ही वीडियो आ गया था, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम सॉल्व करेंगे स्टेट नंबर 2 को और यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फायदा हो सके। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लोकेटेड, मतलब सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो एन एनआईसीएल एनआईसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सभी को आंसर पता होगा कोलकाता, कोलकाता में है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर एनआईसी। आगे देखिएगा, विच ऑफ दी फॉलोइंग इंश्योरेंस प्रोटेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम क्लेम इफ योर क्लाइंट होल्ड यू लाइबल फॉर एरर्स और फेल्योर टू डिलीवर वर्क एज ए प्रोमिस्ड प्रोमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और इससे पहले मैं बता दूं पहले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ देखिएगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अगर पूछा जाता तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का है न्यू दिल्ली, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC। उसके बाद देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आपको पता है LIC का मुंबई में है, सभी को पता है कि LIC का मुंबई में है। UIIC यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का अगर पूछा जाएगा तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, चेन्नई में हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस ए हो जाएगा, ठीक है ना, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पुणे में, ठीक है। तो मैंने सभी का हेडक्वार्टर बता दिया जो कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी है, तो याद रखिएगा इनको। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी कब स्टेब्लिश हुआ था, 1906 में हुआ था। कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि कब स्टेब्लिश हुआ था, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हेडक्वार्टर मैंने बताया कोलकाता में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में बोल दिया था, हिंदी में सुनिएगा। निम्न में से कौन सा बीमा आपके संगठनों को दावों से बचाता है यदि आपका ग्राहक है, यदि आपका ग्राहक आपको त्रुटियों मतलब गलती एरर के लिए उत्तरदायी ठहराता है या अनुबंध में दिए जा गए अनुसार काम देने में विफल रहता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। पहला ऑप्शन है साइबर एंड प्राइवेसी इंश्योरेंस, एरर एंड ऑमिशन इंश्योरेंस, और उसके बाद आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, सही आंसर मुझे बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, आप लोग अगर नहीं भी जानते होंगे तो सीधा एरर एंड ऑमिशन इंश्योरेंस पे टिक लगा दीजिएगा, आपका सही आंसर यही होने वाला है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान दीजिएगा सही आंसर। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जीवन में भारतीय जीवन व्यवसाय को विनियमित करने के लिए पहला वैधानिक उपाय कब शुरू किया गया था, वेन द फर्स्ट सिक्योरिटी मेजर टू रेगुलेट लाइफ बिजनेस वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। तो सभी को आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का, 1912 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है, 1912 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन नेशनलाइज्ड ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया स्टार्टेड, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चन सुनिएगा, भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ था, ये आपको बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1949 में, 1956 में, 1973 में, 1992 में, 1999 में। तो सही आंसर आप लोगों को पता होगा, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1956 में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1956 में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि इन इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस व्हाट डज ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स अमॉन्ग द फॉलोइंग, ऑप्शन देखिएगा, सही आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है ना। हिंदी में मैं तब तक इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, इन द वर्ल्ड वित्तीय वित्तीय की दुनिया में निम्न में से प्रस्ताव दस्तावेज का अर्थ क्या है, आपको बताना है। आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों मतलब है
प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू, लेटर ऑफ ऑफर इन केस ऑफ राइट इशू। तो ये सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हाट डज ए ऑफर डॉक्यूमेंट मींस अमंग द फॉलोइंग। मतलब आपको सिंपल बताना था कि ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। प्रस्ताव दस्तावेज का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। हिंदी में अगर ऑप्शन बोले तो सार्वजनिक मुद्दे की स्थिति में विवरण पुस्तिका और अधिकार के मुद्दे की स्थिति में प्रस्ताव पत्र, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर क्वेश्चन छोटा आप लोग को दिख रहा होगा तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, शायद मुझे लगता है कि फुल स्क्रीन में ये सही से दिखेगा, ठीक है ना। देखिएगा अगर मैं क्वेश्चन को जूम करूंगा ज्यादा तो शायद आप लोग को दिखेगा नहीं पूरा क्वेश्चन, और पूरा क्वेश्चन जब नहीं दिखता है तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सी विधि सार्वजनिक मुद्दों में शामिल शेयरों से अधिक शेयरों को आवंटन करने का विकल्प देती है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव द ऑप्शन एलोकेटिंग शेयर इन एक्सप्रेस ऑफ ए शेयरिंग इंक्लूड इन द पब्लिक इशू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या हो जाएगा, एलोकेटिंग शेयर इन एक्सेस ऑफ शेयर इंक्लूड इन पब्लिक इशू, ग्रीन शू ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा इस क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इट इज एन अरेंजमेंट वेयर इन द इशू वुड बी ओवर एलोकेटेड टू एक्सटेंड द मैक्सिमम ऑफ 15% ऑफ इशू साइज, ठीक है। 15% मैक्सिमम होता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा तो हम जूम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस है कि हम इस क्वेश्चन को जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट ए फ्रेंज ऑन द शेयर ऑफ कंपनी। निम्न में से कौन सा शब्द किसी कंपनी के शेयर को शेयरों पर फ्रीज इंगित करता है, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, हो सकता है मेरे से बोलने में गलत हो जाए, फिर से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट ए फ्रीज ऑन द शेयर ऑफ ए कंपनी, ड्राइव इन, लॉक इन, शेयर इन, पार्क इन, सेल्ड इन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब लॉक इन, लॉक इन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डैश सरकारी प्रतिभूतियों में विशेष रूप से निवेश करता है। देखिएगा डैश सरकारी प्रतिभूतियों में, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन बोले इन्वेस्ट, डैश निवेश नहीं, डैश इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन आपके सामने है, इंडेक्स फंड, इक्विटी फंड, प्राइवेट ट्रस्ट फंड, कैपिटल फंड, गिल्ट फंड। अगर हिंदी में बोले अनुक्रमित फंड, इक्विटी फंड, निजी ट्रस्ट फंड, पूंजीगत फंड, गिल्ट फंड। सही आंसर मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गिल्ट फंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। अब गिल्ट फंड क्या होता है इसको समझते हैं। गिल्ट फंड आर द टाइप्स ऑफ फंड विच इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हैव नो डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। NAVS ऑफ दीज स्कीम ऑल्सो फ्लैक्चुएट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर एज इन केस विथ इनकम और डिबेट ओरिएंटेड स्कीम। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑनर्स ऑफ डैश आर इंटाइटल्ड टू फिक्स डिवाइडेड कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट टू बी पेड रेगुलरली। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिएगा, हिंदी में मैं सीधा बोल देता हूँ। डैश के मालिक एक निश्चित लाभांश या एक निश्चित दर पर गणना किए गए लाभांश के नियमित रूप से भुगतान के हकदार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे बताइएगा, डैश ऑनर्स आर इंटाइटल्ड टू ए फिक्स डिवाइडेंड और डिवाइडेड कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट टू बी पेड रेगुलर, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, बोनस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कॉमर्शियल शेयर और कन्वर्टिबल शेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब प्रेफरेंस शेयर,
ठीक है ना, आगे देखिएगा, प्रेफरेंस शेयर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दिखेगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और ऊपर करेंगे तो दिखेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछा गया अगर हिंदी में अगर हम पहले बोल दें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल प्लॉट ऑफ ए इनकम परसेंटेज वर्सेज डैश परसेंटेज ऑफ कंट्री। लॉरेंज कर्व देश के आय प्रतिशत बनाम डैश प्रतिशत का आरेख है। जीडीपी, एनपी, एनएनपी, पॉपुलेशन हेडलाइन, इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। लॉरेंज कर्व इज ए ग्राफिकल, यहां ज्योग्राफिकल मैंने बोल दिया था, बट ग्राफिकल प्लॉट ऑफ इनकम परसेंटेज वर्सेज पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बोलने में गलत हो गया था उसके लिए माफी चाहता हूं, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिएगा, आईपीओ इज द प्रोसेस बाई विच ए प्राइवेट कंपनी कैन गो पब्लिक बाय सेल ऑफ इट्स स्टॉक टू जनरल पब्लिक। ओ इन आईपीओ स्टैंड फॉर, मतलब आपको बताना है केवल ओ का मतलब बताना है आईपीओ में। तो आईपीओ का फुल फॉर्म पता होगा तो आप बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम हिंदी में बोले तो आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी कंपनी अपने स्टॉक को आम जनता को बेचकर सार्वजनिक हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ का फुल फॉर्म हम पहले जान लेते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अगर आईपीओ का फुल फॉर्म होगा तो ऑफरिंग जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, हु इज द चेयरमैन ऑफ एसबीआई। तो सभी को पता है कि एसबीआई का चेयरमैन कौन है, अंशुला कांत तो नहीं है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की है, ये चेयरमैन नहीं है। देख लीजिएगा, अंशुला कांत का संबंध वर्ल्ड बैंक के साथ है। आदित्य पुरी भी नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का है। और उसके बाद रजनीश कुमार हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजनीश कुमार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखिए, हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स हेल्ड इन 2019, मतलब आपको बताना है कि ये कौन जीता ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2019। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन, आप लोग सभी को पता होगा इनका नाम। अभी हाल में इन्होंने ये खिताब जीता अगस्त 2019 में। आगे देखिएगा, पीटर फोंडा पास अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 79। ही वॉज ए वेल नोन क्या थे, तो आप लोग सभी को पता है कि ये एक क्या थे, एक्टर थे। मुझे लगता है कि एक्टर थे, मैं कंफर्म होकर आपको बताता हूँ। ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि ये क्या थे, पीटर फोंडा एक एक्टर थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जिनका 79 वर्ष के आयु में निधन हो गया। आगे दिखेगा, हु वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019, न्यूजीलैंड को हराकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 किसने जीता, तो इंग्लैंड ने जीता, 12वां विश्व कप था। और टूर्नामेंट जो प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला वो कैन विलियमसन को मिला, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान थे। ठीक है, मैन ऑफ द मैच मुझे लगता है कि बेन स्टॉक को मिला होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं कंफर्म नहीं हूं कि मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, बट मुझे लगता है कि बेन स्टॉक को ही मिला होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब IMF का आपसे पूछा गया है कि MD कौन है, IMF का MD कौन है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि IMF का MD कौन है अभी फिलहाल। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिस्टालिना जॉर्जिविया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, IMF का MD, ठीक है ना, वर्तमान में। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगर हिंदी में अगर हम बोले इस क्वेश्चन को तो हिंदी में क्या बोलेंगे देखिएगा, परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, इंडिया फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल ऑन गंगा रिवर इज सिचुएटेड इन डैश साहिबगंज, वाराणसी, मथुरा, अहमदाबाद, भागलपुर। अब काफी लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा तो हिंदी में मैं इस क्वेश्चन को बोलता हूं। डैश में गंगा नदी पर भारत का पहला बहु मॉडल टर्मिनल स्थित है कहां पे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, मतलब वाराणसी हो जाएगा इस क्वेश्चन का
सही आंसर ठीक है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, और जो साहिबगंज है ना वहां सेकेंड बनेगा, मतलब साहिबगंज झारखंड में है वहां पे सेकेंड मल्टी मॉडल टर्मिनल बिल्ट होने वाला है। पहला आपसे पूछा गया था तो वाराणसी बताइएगा ठीक है, दूसरा पूछा जाएगा तो साहिबगंज आपको बताना है ठीक है। आगे देखिएगा, और शायद इसमें वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि डिब्रू साही खोबा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें मैं इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, आप लोगों को हिंदी में समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा, असम ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर असम। और याद रखिएगा असम अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल है। तो राज्यपाल भी पूछा जाता है और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, राज्यपाल पे रैंकिंग पे मुख्यमंत्री पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज ही आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक वीडियो आना चाहिए इन सब टॉपिक पे। स्टैटिक के जो जीके होते हैं, मतलब स्टैटिक जीए बोल सकते हैं इसको, तो जनरल अवेयरनेस स्टैटिक है, तो इस पर एक वीडियो बन जाएगा ठीक है, आज ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा त्रिपुरा के राज्यपाल है, तो त्रिपुरा के राज्यपाल आप लोग सभी कमेंट करके मुझे बताइए। आरिफ मोहम्मद खान सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा केरल का है आरिफ मोहम्मद खान, छत्तीसगढ़ के हैं अनसुईया उनाई के, और राजस्थान के कलराज मिश्र, और जगदीप धनकर है वेस्ट बंगाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, रमेश बैस हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, त्रिपुरा के राज्यपाल गवर्नर। आगे देखिएगा, संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये आपसे पूछा गया कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगर मसौदा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम क्या बोलेंगे। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन आपको बताना है। द कंस्टिट्यूट असेंबली देख लीजिएगा, यहाँ पे संविधान सभा का प्रारूप तैयार जिसने किया, उसके चेयरमैन, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन आपसे पूछा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सभी को पता है कि बी आर अम्बेडकर ही होंगे, ऑप्शन नंबर ई होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार और नीदरलैंड ने कई क्षेत्रों में सहयोग में मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया, नीदरलैंड की राजधानी कौन है। तो सभी को पता है कि नीदरलैंड की राजधानी क्या है, ओस्लो एम्स्टर्डम, सभी को पता है अभी तक, तो आंसर भी आ गया होगा सभी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्स्टर्डम ठीक है ना, एम्स्टर्डम। आगे देखिएगा, केरल ने मालदीव के साथ द्वीप राष्ट्र में कैंसर की देखरेख को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन को शामिल किया, मालदीव की राजधानी क्या है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह लोटे, देख लीजिएगा सही आंसर क्या होगा, नाम अजीब अजीब है तो इसलिए मैं सीधा आंसर आप लोग को बताऊंगा ठीक है ना। आपसे पूछा है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मालदीव का प्रेसिडेंट। आगे देखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। हिंदी में क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं केवल हिंदी में बोलूंगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो सही आंसर सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 250। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इंडियन ओवरसीज बैंक ने सामान्य बीमा कंपनियों में से किसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का अनावरण किया। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को हम बोले तो क्या बोलेंगे, देखिएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक अनइवल्ड हेल्थ केयर इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन एसोसिएशन विथ विच ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मतलब यूनिवर्सल सैंपू जनरल इंश्योरेंस, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, निम्न में से किसने हाल ही में वित्त मंत्रालय ने अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता परियोजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया। इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को हम बोले तो क्या बोलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिसीव ए ग्रांट ऑफ रुपीज 7,000 करोड़ रुपए
फॉर द इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है द फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडियन रेलवे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नीति आयोग, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब नीति आयोग हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया कि किसे नियुक्त किया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्रिस सिल्वर उड, पीटर बेबेज, कैश साइड, सेल्फी विलियम्स, मार्क आइस आइस स्केस से। तो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, सोफी विलियम्स। सोफी विलियम्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे बेल्जियम का नया प्रधानमंत्री कौन है, सोफी विलियम्स। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में थी और शायद मुझे लगता है कि सबसे कम उम्र में पीएम बनने के लिए ये चर्चा में थी, ठीक है ना, इनका नाम काफी ज्यादा चर्चा हो रहा था अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, यहाँ ध्यान से देखिएगा, डैश को भारतीय विमानपत्तन जो भी लिखा है प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम इंग्लिश में बोले इस क्वेश्चन को, इंग्लिश में अगर हम बोले तो क्या लिखा हुआ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है इनमें से, आपको बताना है। तो सही आंसर आप लोग सभी को पता होगा, अरविंद सिंह हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, जेएसडब्ल्यू स्टील रिसेंटली राइज राइज व्हाट अमाउंट फ्रॉम एलआईसी थ्रू ए बॉन्ड ऑफरिंग। हिंदी में क्वेश्चन देखिएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील ने हाल ही में बॉन्ड की पेशकश के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से कितनी राशि प्राप्त की। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, 1,000 करोड़ रुपए, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन बताइएगा मुझे, काफी आवाज आ रहा है तो उसे मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ जिससे आप लोग को थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी मुझे चोट लग गया अभी, चलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने चालू वित्तीय वर्ष की अप्रैल और सितंबर अवधि के लिए प्रथम वर्ष में प्रीमियम संग्रह में 10% की वृद्धि दर्ज की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन का मैंने बता दिया था 2,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में अगर हम बोले तो इंग्लिश में क्या है ये क्वेश्चन देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी रजिस्टर्ड 10% ग्रोथ इन फर्स्ट ईयर प्रीमियम कलेक्शन ऑफ द अप्रैल सितंबर मंथ ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, कितने परसेंट का ग्रोथ दर्ज किया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 41.74%। आगे देखिएगा, बीमा कंपनी एक्स वाई जेड के भुगतान किए गए दावे 1.7 करोड़ रुपए और एकत्र प्रीमियम 1.44 करोड़ रुपए, हानि अनुपात क्या होगी। तो हानि अनुपात क्या होगी ये आपको निकालना है, तो इसका हो सकता है कुछ है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखिएगा बताइएगा इंग्लिश में, तब तक मैं इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ। द पेड आउट क्लेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एक्स वाई जेड आर ₹1.73 करोड़ एंड कलेक्टेड प्रीमियम आर 1.44 करोड़, व्हाट इज द लॉस रेशियो। आपको बताना है लॉस रेशियो क्या होगा ये कमेंट करके बताना है। तो लॉस रेशियो क्या हो जाएगा देखिएगा, 170 ये जो लिखा हुआ है ना अपॉन में 14, तो इसका जब रेशियो निकालिएगा तो लॉस रेशियो निकल जाएगा ये वाला 1.2 आ जाएगा लॉस रेशियो सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा लॉस रेशियो मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। द लॉस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द टोटल इनकॉर्ड लॉस बाई द टोटल कलेक्टेड इंश्योर प्रीमियम। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान बाई एलआईसी। एलआईसी द्वारा निम्न में से कौन सी संपूर्ण जीवन बीमा योजना है, तो कौन सी है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब एलआईसी जीवन उमंग हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा, हाल ही में भारत और डैश के बीच डैशलिक 2019 का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ।
मालदीव, उज्बेकिस्तान, उर्बेकिस्तान, मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा, मैं तब तक इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बोल देता हूँ। डेस्टलिक 2019 फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड डैश रिसेंटली, मतलब इंडिया और किसके बीच में हुआ, कौन सा? डेस्टलिक। तो मैं सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, काफी लंबा क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 5वां संस्करण हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विजना भारती विभा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यह एक डैश कार्यक्रम है, 3 दिवसीय, 4 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय और 9 दिवसीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 4 दिवसीय हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है ना, 4 दिवसीय कार्यक्रम है। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तस्कंद में संघाई सहयोग संगठन में सरकार के प्रमुख सी एच ए क्या लिखा हुआ है, देख लेते हैं, हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में ही मैं बोल देता हूं इसको, ठीक है ना। तस्कंद बोला गया ना यहाँ पे, तस्कंद लिखेगा। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इंडिया एट टू डे मीटिंग ऑफ काउंसिल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट सी एच जी ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन तस्कंद। सी एच जी की 2 दिवसीय बैठक में निम्न में से किसने भारत का प्रतिनिधित्व किया, यह आपसे पूछा गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राजनाथ सिंह ने इसका प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, SREI इक्वी पेमेंट फाइनेंशियल लिमिटेड ने सह उधार व्यवस्था के तहत MSME क्षेत्र और खुदरा ग्राहकों को ऋण प्रदान करने के लिए डैश के साथ से भागीदारी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलता हूं। SREI इक्विपमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड हैज ए पार्टनर विथ द डैश ऑफर लोन टू MSE सेक्टर एंड रिटेल कस्टमर अंडर एंड ए को लीडिंग एग्रीमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, मतलब यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिएगा, तिलकथा रिसेंटली रिजाइन ए मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, मतलब किसकी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक की MD और CEO थी जिन्होंने हाल ही में रिजाइन किया, तिलकथा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धन लक्ष्मी बैंक। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है आपसे, जर्मनी नई साझेदारी के तहत भारत में हरित शहरी प्रगतिशीलता परियोजना पर 10 बिलियन यूरो खर्च करने के लिए तैयार है, कितने मिलियन खर्च करने को तैयार है, बिलियन ने लिखा हुआ है। जर्मनी इज सेट टू स्पेंड 10 मिलियन यूरो ऑन ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन इंडिया कन्विंस अंडर ए न्यू पार्टनरशिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1 बिलियन। आगे देखिएगा, यूनेस्को ने निम्न में से किस शहर को गैस्ट्रोनोमी के क्षेत्र यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के सदस्य के रूप में नामित किया, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, इंदौर, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बोलता हूं। यूनेस्को हैज डिजाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एज ए मेंबर ऑफ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क द फील्ड गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है ना, यूनेस्को के हिसाब से हैदराबाद है। आगे देखिएगा,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश क्रमिक है, डैश क्रमिक तौर पर है, दूसरे वर्ष से क्यूएस इंडेक्स से क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रैंकिंग 2020 शीर्ष पर रहा, कौन रहा आपसे पूछा गया, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या लिखा हुआ देखिएगा, डैश टॉप क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 द सेकेंड कंजुकेटिव ईयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर मतलब आईआईटी मुंबई हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चर्चा में था ये क्वेश्चन, आगे देखिएगा। चलिए फिलहाल 40 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि कल आपको सेट नंबर 3 भी हम आपको प्रोवाइड करवा दूं। टोटल मेरा कोशिश होगा कि 5 सेट आप लोग को प्रोवाइड करवा दूं, जिसमें से मैंने 2 सेट आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया, कल हम तीसरा सेट लाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहा है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।